वाला जिस तरह से हम बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस तरह से वो कल को हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और बच्चे का बर्थडे सही से बन जाए वही हमारे लिए हमारी एनिवर्सरी है। ये पापा हैं? इसमें तो 5,000 का नोट है। 5,000 का नोट? आप जरा हटेंगे सामने से, पूरा हॉल का लुक दिखा। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका कुकृति फैमिली के एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमेशा की तरह। वाह, काशी क्या हो रहा है? वाह, तो ये है वो दोस्तों झूमर जो हम लेके आए थे और सीमा यहाँ पर। तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसको यहाँ पे लगाएं बीच में दो। सोच क्या रहे हो तो? ये झूमर लगाने की और जगह ही कहाँ है यार। आज जो भी है, तो दोस्तों जब लग जाएगा तो आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। ये मैंने लगाया। तो फाइनली हमने घर में लगा दिए झूमर और सीलिंग लाइट। अभी और कुछ लगाना बाकी है। अभी हमें घड़ी की लगवानी है, वो देख रहे हैं क्या क्या लगवाना है इनको। तो दोस्तों आज मैं मिलाता हूँ आपको भाई लोगों से जिन्होंने की अभी झूमर और सीलिंग लाइट लगाई है और अभी कुछ और लगाना बाकी है तो वो भी लगा के जाएंगे। ये हैं गुड्डू भाई, पीछे बैठे हैं उनके बड़े मोहसिन, एक छोटा मोहसिन भी है। तो ये तीन भाई लोग हैं जो कि मिल के काम करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि ये भाई लोग प्रोफेशनल कारपेंटर हैं लेकिन कारपेंटिंग के साथ में कम इलेक्ट्रिसियन भी हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करने से पहले गुड्डू भाई को फ़ोन किया कि भाई आप कर लोगे? तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा गुड्डू भाई, यहाँ पे मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि तुम पैसे से कारपेंटर हो तो फिर तुमने ये इलेक्ट्रिशियन वाला काम कहाँ से सीखा और कैसे सीखा? आता है। अच्छा आता है, लकड़ी के काम में इलेक्ट्रिशियन होता है। ये बात तो है, होटल में हम काम करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन का बहुत काम पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक के जो एलईडी में लगाते हैं सब हमारे सिस्टम होता है बस। अच्छा, जो लाइट वाले होते हैं कनेक्शन कनेक्शन करने के लिए आते हैं, बाकी हम ही डालते हैं पूरी एलईडी। काशी के बर्थडे के पास आते ही सीमा की कलाकारी हो चुकी है शुरू और यहाँ पे सीमा लास्ट टाइम की तरह जैसे उसने बनाया था 2021 में काशी के फर्स्ट बर्थडे पे खुद से बैनर वैसे ही कुछ बना रही है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है कि लास्ट टाइम कैसे बनाया था सीमा ने, तो हम काशी का फर्स्ट बर्थडे का सेलिब्रेशन प्रिपरेशन सब डाल देंगे लिंक में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और जब ये बना लेगी सीमा पूरा, जब ये पूरा फिनिशिंग आ जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। काशी कल को बड़े हो गए सब देखेगी तो वी होप काशी को काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरा मेन रीज़न भी यही है कि कल परसों मुझे बोले कि मम्मा आपने खुद से बनाया था, खुद से किया था। सही बात है। तो बस अभी ये झूमर लग गया है सामने और ये हैंगिंग लाइट है, ये हैंगिंग लाइट लग गई है। तो अभी जो हम लेके आए थे जो इंस्ट्रूमेंटल फ्रेम था वो लगाना है, दो तीन चीज़ और हैं वॉच है। तो जब ये सब डेकोरेट हो जाएगा, जब सब लग जाएगा, तो उसके बाद आपको एक कंप्लीट टूर देंगे इन सब चीज़ का कि हम क्या क्या लेके आए थे। इसी के साथ में काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि जो आप चीज़ लेके आए हो, जो भी आप आइटम्स लेके आए हो उसका प्राइस ज़रूर बताना। तो बिल्कुल हम उसका प्राइस भी डिस्क्लोज करेंगे कि क्या प्राइस था, रिवील कर देंगे। तो उसके लिए आप पूरा ब्लॉग देखना। ये हमारे साथ देखा है ना? हां, शादी में लगा था। बहुत बढ़िया लगा। मम्मी गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, तो नया दिन शुरू हो चुका है और जैसे कि कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन थे कि आप प्लीज़ प्राइस बताओ जो हम चीज़ें लेके आए हैं, तो ज़्यादा लेट होने की वजह से हमारा ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि हम पूरा कम्प्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम विद प्राइस आपको सारी चीज़ें दिखा दें जो हमने लगाई हैं अपने घर में। तो अब क्या करेंगे, अब आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, जो जो लगाई है वो भी दिखाएंगे और प्लस प्लस उसका प्राइस भी बताते जाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प भी हो जाए। और आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है दोस्तों, तो ये वीडियो तो वैसे भी कल आने वाली है बट बिज़ी इसलिए होने वाला है क्योंकि हमें काशी के बर्थडे से रिलेटेड कुछ काम करने हैं, बाहर भी जाना है, बहुत सारे काम हैं, घर में पेंडिंग भी हैं, बाहर के भी थोड़े पेंडिंग पड़े हैं, उसका केक भी ऑर्डर कराने जाना है। तो बने रहिएगा साथ में। और आज मैं बना रही हूँ वैसे नाश्ते में ब्रेड सैंडविच और जो मेयोनीज डाल के बनती है, और कासू के लिए एक मम बना रही हूँ बस नॉर्मल, जो कि टूट चुका है क्योंकि ओट्स का है और ओट्स में मतलब बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैंने कहा चलो टूट के ही खा लेगी, पर खा लेगी क्योंकि हेल्दी होता है बहुत। तो आज है नाश्ते में दोस्तों सैंडविच जो कि कासी ले रही है, उसके भरपूर मजे है। उठाते तो तू ऐसे प्लेट, अच्छा मेरे को दे रही है। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और क्या है हमारा डेस्टिनेशन? विशाल। तो दोस्तों पहले जा रहे हैं विशाल में और अभी से हम, मैंने जैसे आपको मॉर्निंग में बताया था कि आज बहुत बाहर के काम भी बहुत है और घर पे भी,
तो नाश्ता खाने के बाद थोड़ा घर का काम करने के बाद अब जा रहे हैं घर का काम को फिनिश करने के लिए। आज ही जाएंगे, कल नहीं जाएंगे। मैंने इनको बोल दिया कल पूरा दिन घर पे रहकर साफ सफाई करनी है भैया। बिल्कुल। तो आज 16 तारीख है तो हम सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे काम पेंडिंग है वो हम सब आज ही निपटा लें। जिसको ऑर्डर देना है ऑर्डर दे दें बर्थडे के लिए, तो सारा काम आज निपटा देंगे। और शुरुआत आज बर्थडे से, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बर्थडे से फिर से याद आया। अभी ये मॉर्निंग में मुझे बोल रहे हैं सीमा मैंने तेरे लिए तो कुछ लिया ही नहीं, मेरी एनिवर्सरी भी है। भगवान का सब हमेशा भूल जाते हैं कि हमारी एनिवर्सरी भी है बच्चे के बर्थडे के साथ। ये बात तो सही कह रही है सीमा कि एनिवर्सरी का मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। बच्चा खुश है, पता है फिर मैंने उनको क्या रिप्लाई किया? मैंने उनको रिप्लाई किया कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब वो हमारा एनिवर्सरी बनाएंगे तो तब हमें ज्यादा खुशी होगी। सही बात है, जिस तरह से हम बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस तरह से वो कल को हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और बच्चे का बर्थडे सही से बन जाए वही हमारे लिए हमारी एनिवर्सरी है। क्यों तो चले भी साल। तो दोस्तों आ चुके हैं एक बार से दोबारा से विशाल, तो बस देखते हैं यहाँ से क्या लेते हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलते हैं विशाल। तो दोस्तों हो चुका है इवनिंग टाइम, और जैसे कि हम लोगों ने आपको कहा था कि जो हम चीज लेके आए हैं, जैसे कि आपने देखा था हमारे लास्ट वाले ब्लॉग में जो हम भागीरथ प्लेस से लेके आए थे, वो सभी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और बताएंगे उनका प्राइस क्या है। तो अब मिला है हमको टाइम, अभी हो चुकी है श्याम और श्याम के बज रहे हैं अभी 6, तो दिखाते हैं आपको कि हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अभी, शुरुआत झूमर से करते हैं। तो अभी सीमा बना रही है वीडियो, सीमा ने कहा कि आज तुम ही दिखाओ क्या क्या करते हैं। तो सीमा की आपको जो वॉइस है वो बैकग्राउंड से देखने, एक्चुअली मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि प्राइस का ना एग्जैक्ट इनको पता होगा क्योंकि पे इन्होंने की है। तो जब साथ में नहीं थी, नहीं मैं साथ में थी, तो होता है ना कि कभी कभी कोई चीज मुझसे मिस हो जाए, मैं ऐसा तो मैं इतना एग्जैक्ट ना बता पाऊँ, इसलिए मैं चाहती थी कि ये बोले। बता दूंगा आपको कि साथ में मेरी ये थे, और जब मैं पे ठीक ही बोला इसमें कि पेमेंट कर रहा था, लेकिन सीमा से पूछ के कर रहा था कि ठीक है यार। हाँ, जो चीज़ नहीं वैसे कर रही सही बात, सही बात, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा सही है। तो आप देख सकते हैं झूमर ऐसा लग रहा है हमारा अभी, ये देखिए लग रहा है ना छकास। आप जरा हटेंगे सामने से, पूरा हॉल का लुक दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों से कहा था एक यहाँ और एक सेम झूमर वहाँ, किचन में भी वो वाला झूमर लगा हुआ है हैंगिंग लाइट, और ये सेम रहा यहाँ पर सामने। तो ये अभी हमने जलानी रखी है, तो बाद में जला के दिखा रहे हैं। मैडम आपने झूमर तो दिखा दिया लेकिन इसका प्राइस बताया नहीं। तो हाँ बस बस मैं वो सिर्फ लुक दे रही थी, अब आप बता दो लुक दे दिया आपने। हाँ लुक दे दिया, मैं लुक देता हूँ कि जो ये है ये पड़ा है हमको वहाँ से 6500 का। तो दोस्तों पता चल गया आपको इसका प्राइस, रुपए का एक झूमर है ये, और दोनों में मतलब लगा लीजिए आप दोनों कितने के पड़े हैं, 13,000 के। हाँ ठीक है, और ये अगर मैंने आपको सच बताऊं जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे 3-4 शॉप्स हैं जहाँ पे झूमर मिलते हैं, और आप लोग यकीन मानिएगा जो हमें झूमर एक मिल रहा था यहाँ पे एंटीक वो मिल रहा था आई थिंक 4,500-4,500 का, हमने वही सेम झूमर सब कुछ सेम हमने वही देखा, हमने कहा भैया इसका प्राइस क्या है, उन्होंने कहा 2,200 रुपये। आप सोचो मतलब यहाँ पे वो चीज़ 4,500 की मिल रही है, और सेम वही चीज़ मतलब सेम लैम्प सेम वही डिज़ाइन सेम सब कुछ वही सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट सेम डिज़ाइन वहाँ पे मिल रहा था 2,200 रुपये। और जो क्रिस्टल वाले झूमर होते हैं उसकी वहाँ से जो उसकी जो यहाँ पे प्राइस रेंज स्टार्ट है कम से कम 8,000 से स्टार्ट है, और वहाँ पे आपको 4,000 में भी मिल जाएगा। तो यकीन मानिए क्रिस्टल झूमर इतने मस्त मस्त होते हैं, आप जरूर लेना। वो तो हम थोड़ा सा किसी वजह से चूक गए, वरना मेरा तो बहुत मन था क्रिस्टल झूमर लेने का। हाँ। बट ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है कि आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। सेकंड जो है ये हैंगिंग लाइट, इसका जो प्राइस है इसका प्राइस है 2,200 दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत सही सही लग रहे होंगे इनके प्राइस क्योंकि दोस्तों। तो ये हो गया सीलिंग लाइट की बात, और हम ये लेके आए थे बुद्धा जी, और ये मैंने अभी फ्रिज के ऊपर प्लेस किए हुए हैं। तो बताना इनका प्राइस क्या था। इनका प्राइस है 1700 और ये रेट वो है जिस रेट में हमने लिया है, तो हमने बार्गेनिंग करी है। बार्गेनिंग करने में मैं खुद को एक्सपर्ट मानता हूँ। नहीं वाकई में जो चीज मुझे बिल्कुल नहीं आती उस चीज में ये एक्सपर्ट है, और मैं बहुत खुश होती हूँ कि इतने जब भी मैं शॉप में जाती हूँ ना तो इनको बोलती हूँ प्लीज 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 बार्गेनिंग कर लेना। ये बोल दिया क्यों करवा रहे, क्यों करवा रहे, क्यों नहीं करवाना है यार। पता क्या होता है, आप ना शॉपकीपर को देख के मुझे चल जाता है मालूम कि इस रेट पे इस पे इतना बार मतलब
कम कर सकते हैं, बाकी प्रोडक्ट को भी देख के चल जाता है मालूम कि हाँ इतना कम हो। मुझे ना शर्म आती है बहुत, मैं एक से दो से तीन से ज्यादा बार मैं बोल ही नहीं सकती, और ये इतनी अच्छी बार्गेनिंग करते हैं तो लगती भी नहीं है बार्गेनिंग हो रही है। तो दोस्तों ये 1700 का लिया है, जो एक जो हम जिस प्राइस में हमने लिया है वो बता रहे हैं, और मुझे लगता है जब हमको मिल गया इस प्राइस में तो आप लोगों को मिल जाएगा। जो हमने झूमर ये लिया था रंगीन एलईडी बोल, मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई थी कि वो कहाँ पे है शॉप, शॉप का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी आपको जहाँ से लेना है तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन वहाँ पे लाल किला है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट का है। शॉप का मैं एड्रेस आपको दे दूंगा नीचे, और आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, आप वो ब्लॉग भी देख सकते हैं एड्रेस के। ये जो आइटम है ये हम गए थे लेने के लिए सदर बाजार, तो सदर बाजार में शॉप है तो वहाँ से हमने लिया था। आपको इसके बाद ले आती हूँ, देखिए खड़े हो रखे हैं। ये मेरा फेवरेट है सब में, झूमर में, लाइट्स में सबसे ज्यादा फेवरेट मेरे को ये लगा, मुझे मतलब ये एक नजर में पसंद आ गया था। तो और मैंने जिस टाइम पे मैंने देखा था ना ये, उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि जहाँ पे हम खाना खाते हैं यहाँ पे मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों दोस्तों यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं, तो मैंने सोच लिया था कि जहाँ पे हम खाना खाते हैं उसके ऊपर ये वॉल भी है, तो ये अभी खाली है, यहाँ पे हम कुछ लगा सकते हैं। और इसका जो प्राइस है, जिस प्राइस में हमने लिया है वो है 2000 रुपये का हमने लिया है। और आप यकीन मान रहे हो ये 2000 में आ गया दोस्तों, और इतना पूरा मेटल गया ही, और ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का, हैवी मतलब क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, जो आप छूओगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब है कुछ। और अब आपको क्या दिखाएं सीमा, और दिखाते हैं, आ जाइए ये वॉच, ये सीमा का पर्सनल फेवरेट है क्या? नहीं, वैसे मेरे पर्सनल फेवरेट तो सही कहा तुमने, मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि शॉप में देखते ही मुझे इतनी खुशी हुई थी, और इनसे ज्यादा मुझे वो पसंद है बुद्धा जी। अच्छा बुद्धा जी, हाँ ठीक है। तो और ये थर्ड नंबर पे आती है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी घड़ी, जाते ही हमने जब फर्स्ट शॉप पे देखा था ना, एंटीक की जो शॉप थी उसके फर्स्ट शॉप पे ही हमको ये पसंद आ गई थी। ये देखिए, अभी हमने इसमें सेल नहीं डालना है, आप बताइए इसका प्राइस, फिर मैं अगल बगल की पिक्चर्स का भी बताऊंगी। इसका प्राइस है वो है 1100। तो दोस्तों देखिए हमें 1100 की मिली, और बहुत सुंदर वॉच है दोस्तों, आके देख रहे हैं मुझे, कह रहे सही तो दिख रही है, इसका हाथ ना पहुंच नहीं पाया, मैं दिखाता हूं आपको ये देखो। और दोस्तों अब मैं बताती हूँ आपको, जो अगल बगल में मैंने ये पेंटिंग लगाई है, ये पेंटिंग भी मैंने मीशो से मंगाई है, और मैं ट्रस्ट करती हूँ सस्ती चीजों पे, कहते हैं महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो फिर भी मेरा जो ध्यान जाता है, ना मैं सोचती थोड़ा सस्ता मिल जाए और अच्छा मिल जाए, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना, तो सबसे सस्ता सस्ता ढूंढती रहती हूँ, और लकली मुझे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और अच्छे भी मिल जाते हैं, क्वालिटी में भी अच्छे मिल जाते हैं। तो ये जो पेंटिंग है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मिली है, और दोस्तों मैं बताऊँ ये कितने की मिली है, सिर्फ 200 की। सही है यार, सिर्फ 200 की है ये तीनों पेंटिंग ये, और आपको इसके पीछे ग्लू मिल जाएगा चिपकाने के लिए, निकालो चिपकाओ बस। तो आप लोग बताना हमें कि ये वाला कॉर्नर आपको कैसा लगा, मैंने इस पे अभी कुछ दिनों पहले पेंटिंग की थी मिरर पे, और ये सब मैच हो रही है कलर, मैंने इसीलिए ये मंगाया था कि ताकि जो ये मैंने कलरफुल डिजाइन बनाई है ना उसी से मैच करते हुए मुझे पिक्चर्स मिल जाए, और एग्जैक्टली मिल गई। और अगेन मैंने पिक्चर्स डांसिंग से रिलेटेड लिया है, क्योंकि मुझे म्यूजिक और डांसिंग से रिलेटेड चीजें अच्छी लगती है, इनको भी बहुत पसंद आती है ऐसी चीजें। सो दोस्तों ये सब थे वो आइटम जो हम वहाँ से लेके आए थे, तो आई होप आप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम कितने का लेके आए हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछना, हम बताएंगे आपको। ओके चलिए फिर, और अभी क्या है कि सीमा को जाना है सनी चौक, और मम्मी के साथ में जा रही, क्योंकि मैं सीमा के साथ में जाके आ चुका हूँ बाहर से, तो अब मैं काशी को देखूंगा, और मम्मी मेरी बात ये है तो भी सामान लेने के लिए ये जा रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी लग रही काशी के साथ, अब वो चले गए सामान लेने के लिए, अब मेरी ड्यूटी लगी नन्नू के साथ, वो हाँ वो से मतलब सचिन और अंजलि, और मम्मी लगती रहती मेरी कभी इधर कभी उधर, कोई बात नहीं, अब क्या करूँ, और मन निभाना भी पड़ता है, निभाना पड़ता है। तो ठीक है, अब मैं तो बस भगवान से ये दुआ मांगता हूँ कि जितना मम्मी अपना कर्तव्य निभा रही है, मम्मी की ड्यूटी है निभा रही है, उतना ही बच्चे जब बड़े जाए तो दादी को माने, हम मैं तो कह रहा हूँ हमसे ज्यादा हमारे बच्चे अपनी दादी दादू को माने, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। माने तो सबको मानना चाहिए, माँ बाप तो पहले मेन हो गए हैं, ये है कि सबको रखना चाहिए, ये हमारे दादी दादा हैं। वैदिक जब आया कमरे में तो रो रहा था, तो ये टेप दिया काशी ने, उस फोन दे रही है मेरा, अच्छा मम्मी का फोन दे रही है अपना, तो वैदिक को कंफर्ट फील करवा रही है कि वैदिक आराम से कंफर्ट फील करे और रोए नहीं, है काशी। ये पापा हैं, इसमें तो 5000 का नोट है।
5000 का नोट 500 का मैं वही बोलूं 5000 का नोट तो ही भारत सरकार ने 5000 का नोट भी आएगा ये वो जब आएगा मुझे तब आएगा और मम्मी जिस दिन आएगा ना 5000 का नोट वो उस दिन आपके मोबाइल के पीछे रहेगा ए राम मेरा मोबाइल भी पीछे मेरे हाथ में नहीं है 5000 का नोट उस दिन ये मोबाइल में क्या रहेगा वो नहीं जब तो दोस्तों हो चुका है डिनर टाइम और आज डिनर में है रात के खाने में जैसे कि आप देख रहे हो यह है सीताफल की सब्जी जिसे हम कद्दू भी कहते हैं रोटी और साथ में है दही तो बस दोस्तों करते हैं डिनर और लेते हैं उसके बाद 5 लोगों के नाम जिनके के कमेंट्स आए थे हमारे लास्ट ब्लॉग में। हेलो दोस्तों तो लेते हैं नाम तो नाम ले रही हूँ मैं फर्स्ट द महिरा रावत जी का उन्होंने कहा है हेलो सीमा दी आप सब कैसे हैं आप अपनी आफ्टर प्रेगनेंसी स्टोरी कब बताएंगी एंड अपनी वेट लॉस जर्नी भी जरूर शेयर करें तो द महिमा रावत जी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और 2 पार्ट में है आफ्टर भी और बिफोर भी तो आप जाके ज़रूर देखिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। नेक्स्ट कमेंट है द बेस्ट एंड फैमिली का उन्होंने लिखा है काशी एंड मेरा बेटा सेम टाइम में बॉर्न हुए हैं एंड मेरा बेटा भी अभी कुछ नहीं बोलता है बस उल्लू करता रहता है और माँ पापा करता है बस मुझे काशू बहुत क्यूट लगती है गॉड ब्लेस हर। एक्चुअली मैं चेतना बिस्ट हूँ बहुत टाइम से आपका ब्लॉग देखती हूँ पता नहीं आपने पहचाना कि नहीं क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम बदल लिया है तो पता नहीं आप पहचाने कि नहीं तो चेतना जी मैं आपको पहचान गई हूँ और सच बोल रहे हो आप कि जब आपने नेम चेंज कर दिया ना तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बट जब आपने ये कमेंट किया था ना तब मैंने आपका मतलब बिल्कुल गौर से देखी ये पिक्चर जो आपने लगाई है तो थैंक यू सो मच। और अभी भी काशू नहीं बोल रही वो भी माँ पापा और वाह वाह जो ये बोलती है टू यू बस यही सब बोल रही है जल्दी बोलेंगे दोनों के बच्चे और फिर इतना बोलेंगे कि चुप ही नहीं होंगे तो थैंक यू चेतना जी आपके कमेंट के लिए। नेक्स्ट कमेंट है बुड्ढा कोटी फैमिली का उन्होंने लिखा अरे वाह क्या बात है मेरा मायका है बुरारी में हमें बता देते तो हम भी आ जाते संत नगर बुरारी। बुड्ढा कोटी फैमिली जी आपके घर आएंगे हम वहाँ मिलने का क्या मजा घर आके मिलेंगे आपसे थैंक यू फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट कमेंट है अनीता सिंधु जी का इन्होंने लिखा सीमा आपने डेकोरेशन का सामान सदर की कौन सी मार्केट एंड शॉप का नाम बताना और जो म्यूजिकल वाला आइटम है कितने का लिया प्लीज़ बताना मुझे भी बहुत पसंद आया है तो मेरा भी मन है लेने का। तो अनीता जी होप आपको इस व्लॉग से सब कुछ जानकारी मिल गई होगी थैंक यू आपके कमेंट के लिए। नेक्स्ट कमेंट है दीप ज्योति की दीप्ति इन्होंने लिखा दी ये साड़ी भैया ने गिफ्ट की थी ना आपको बहुत प्यारे लग रहे हो सब कासू आप भैया नन्नू अंकल आंटी जी थैंक यू दीप ज्योति जी दीप्ति जी आपने साड़ी का नाम लिया ना मेरा मूड थोड़ा सा फिर से दोस्तों उस दिन एक इंसिडेंट हुआ था शादी वाले दिन और जब हम शादी में गए थे बताऊंगी आपको काशी के बर्थडे के बाद क्योंकि मुझे लग रहा बताना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें हम जब ब्लॉग में डिस्कस करते ही हैं तो ज़रूर बताऊंगी और साड़ी से रिलेटेड ही है। थैंक यू दीप ज्योति जी हाँ आपके भैया ने ही गिफ्ट की थी मुझे ये साड़ी नीरज के शादी के टाइम पे और वो साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है थैंक यू फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट कमेंट है अजय पहाड़ी राज जी का इन्होंने लिखा अरे वाह गजब ये बात तो है गाँव के बैंडों की आवाज़ सुन के मज़ा ही कुछ और आ जाता है आवाज़ सुन के नाचने का मन करता है बहुत सुंदर थैंक यू अजय पहाड़ी जी गाँव की तो हर चीज़ ही निराली है चाहे वो खाना हो पहाड़ हो मौसम हो लोग हो सब कुछ गाँव का बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ काशी के बर्थडे में सिर्फ एक दिन रह गया है बीच में और कल की पूरी प्रिपरेशन आपको दिखाते हैं हो सका तो कल मॉर्निंग में ही ब्लॉग डाल देंगे क्योंकि हमें उसके बाद फिर सब आने लगेंगे तो थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों और मेहमान हमारे इतने हैं नहीं दोनों चाचा की फैमिली अंजलि की फैमिली और मेरी फैमिली इतने हैं और हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है फर्स्ट बर्थडे में ही किया था। अगर आपने काशी का फर्स्ट बर्थडे का सेलिब्रेशन नहीं देखा तो लिंक वो भी हम डाल देंगे आप तब तक वो चीज़ इंजॉय कीजिए और आपको जैसे पता ही है नया घर लिया था तो सारा खोज पोच हो रखा है कभी कुछ सामान कभी कुछ सामान तो इतना प्रिपरेशन का टाइम मिला नहीं बट जितना मिला मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं काशी के बर्थडे के टाइम पे आप लोग यूं ही अपना प्यार और आशीर्वाद काशी पे बनाए रखिए हम पे बनाए रखिए कुकरेती फैमिली एक नया व्लॉग जल्दी से लेके आएगी तब तक के लिए गुड नाइट शुभ रात्रि स्वस्थ रहिए मस्त रहिए जय शंभू।